चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल नेहरू नगर में जारी अनियमितताओं को लेकर पूर्व सांसद चंदूलाल के पुत्र अमित चंद्राकर ने नगर निगम भिलाई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने 5 बिंदुओं पर नगर निगम से जानकारी चाही और चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में जारी अनियमितताओं पर कार्यवाही करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 15 दिन के भीतर यदि नगर निगम उचित कदम नहीं उठाता है तो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। यही नहीं, याचिका के माध्यम से निगम आयुक्त व जिला कलेक्ट्रेट को पार्टी बनाया जाएगा। इस संबंध में प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल पर करोड़ों रुपए का बकाया है, जिसके लिए इंडियन बैंक ने 29 फरवरी को नीलामी रखी थी जो कि टल गई। अब सवाल यह है कि चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल दान की जमीन पर बना है तो बिना नगर निगम की अनापत्ति के इस अस्पताल को मोर्टगेज रख बैंक लोन कैसे दे सकती है। अमित चंद्राकर ने निगम के अधिकारियों ने लोन को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है, यदि ऐसा है कि इसमें भारी भ्रष्टाचार है। अमित चंद्राकर ने कहा कि 30 के लिए लीज कर दी गई जमीन को बैंक किस आधार पर नीलाम के लिए सूचना चस्पा कर सकता है। नीलामी की सूचना चस्पा होने के बाद भी नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अभी किसी भी प्रकार की आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की गई। चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल के निर्माण के लिए 1997 में तत्कालीन साडा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, तो दोबारा नगर निगम द्वारा अस्पताल के नाम पर फिर से लोन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र क्यों दिया गया। यही नहीं, चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल की नींव लोक हित के लिए रखी गई थी। अचानक करोड़ों रुपए के कर्ज का बोझ आ जाने से हॉस्पिटल के निर्माण से लेकर अब तक सदस्यों की चल अचल संपत्ति की जांच क्यों नहीं करवाई जा रही। भिलाई से संवाददाता राजेंद्र गाड़े व सुनील सोनी की रिपोर्ट। किस आधार पर नीलामी हेतु बैंक चस्पा कर दी गई, क्योंकि चस्पा करने जब चस्पा किया है तो नगर निगम को इसमें आपत्ति लेनी थी उस दिन, क्योंकि वो जो भूमि है वो नगर निगम की भूमि है और उसमें साफ साफ लिखा गया विक्रय हेतु या नाम ट्रांसफर हेतु यह एनओसी नहीं दी गई थी। ये एनओसी किस एनओसी पे लिखा गया था, 97 के जो साडा के कंडीशन पे लिखा गया था। हालांकि इन्होंने जो हमारा जो लोन लिया था 2008-09 का लोन है, जिसमें नगर निगम ने लोन भी एनओसी दिया हुआ होगा, लेकिन अभी तक हमको जानकारी नहीं दी गई है, उस एनओसी की कॉपी अभी तक हमको नहीं दी गई है। हालांकि हमने 2-3 बार उनको पूछा, अभी तक कोई भी एनओसी की कॉपी हमको अभी तक नहीं प्रोवाइड की गई। चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल की जो भूमि है उस पर जो ऋण दी गई थी, उस ऋण के विषय में कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ से पैसा अर्जित किया गया, इसका हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। आज जो हमारा प्रेस वार्ता का जो विषय है मेन, इसमें जो नगर निगम के द्वारा जो भ्रष्टाचार जो सबसे ज़्यादा हमें समझ आ रहा है, जो भ्रष्टाचार के मूल जहाँ से जगह पहले दिख रही है वो नगर निगम दिख रही है। पहले शुरू बता आगे बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, निर्मल सिंह जी हमारे अधिवक्ता रहेंगे आगे भी, जो हम फर्दर प्रोसीडिंग करेंगे जो कोर्ट में, हमारे मित्र ये भी वकील हैं हमारे झा जी, संदीप झा जी, बैंकिंग और भूमि के दस्तावेज हमको दिया गया। मैंने अनापत्ति प्रमाण पत्र का भी मांग किया था जो कि अभी तक मुझे नहीं मिली है, अभी 1 महीना हो चुकी है फिर भी नहीं मिली है, लेकिन हम अभी फिर वेट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट अपील पे हम चले गए हैं जिसकी पेशी का डेट 23 मार्च रखा गया है, तो उम्मीद है 23 मार्च तक या हमें मिल जाएगी या 23 मार्च के बाद जो फर्स्ट अपील अधिकारी वो लोकायुक्त के पास हमारे आवेदन की कॉपी भेज देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.